मोहिनी अपने पति और अपनी 6 साल की बेटी कोसी के साथ एक छोटी सी बस्ती में रहा करती थी। मोहिनी लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। वो जिस घर में काम किया करती थी उस घर की मालकिन सावित्री बहुत ही दरिया दिल थी और हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करती थी। जब सावित्री को पता चला कि मोहिनी की बेटी कोसी को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक है तो वो कोसी का दाखिला अपनी बेटी के स्कूल में करा देती है। मोहिनी मालकिन सावित्री से बोलती है, मालकिन मेरी बेटी कोसी का आपने इतने बड़े स्कूल में दाखिला कराकर मुझ गरीब कामवाली पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अरे उपकार कैसा, अब तो तू बस अपनी बेटी को कल से स्कूल भेजने की तैयारी कर। फिर अगले ही दिन मोहिनी अपनी बेटी कोसी को तैयार करके स्कूल भेज देती है। कोसी स्कूल पहुंचकर देखती है कि सभी बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। वो जल्दी से अपना बैग सबसे आगे वाली सीट पर रख देती है और बाहर बच्चों के पास जाकर खड़ी हो जाती है। तभी कोसी के मालकिन की बेटी लीना कोसी से बोलती है, ए कोसी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खड़े होने की? माना मेरी मॉम ने तेरा एडमिशन मेरे ही स्कूल में करवा दिया है, पर तू मुझसे दूर रहना, समझी? आई देखो जरा, अब एक काम वाली की लड़की मेरे बराबर खड़ी होगी। मुझे तो इसके अंदर से अजीब सी स्मेल आ रही है। क्यों दोस्तों, तुम्हें भी आ रही है ना? ये काम वाली की लड़की है। OMG, चलो यार यहाँ से, नहीं तो ये हम सबको भी गंदा कर देगी। ऐसा बोलकर सभी कोसी का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कोसी उदास होकर अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। तभी क्लास में टीचर आती है और कोसी को सबसे आगे बेंच पर बैठा देखकर कोसी से बोलती है, तुम्हारा नाम कोसी है राइट, और तुम एक काम वाली की बेटी हो, और मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा कूड़ा बिनने का काम करते हैं। जी टीचर जी। तुम यहाँ से उठो और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाओ। मगर टीचर जी। मैंने कहा ना तुम सबसे पीछे बेंच पर बैठो, मेरी क्लास में सभी बच्चे बहुत बड़े और नामी घरों से हैं। मैं नहीं चाहती मेरे इन बच्चों पर तुम जैसी गरीब स्टूडेंट का असर आए। टीचर के जाने के बाद क्लास के सभी बच्चे कोसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। लंच टाइम में तो लीना और उसके दोस्त कोसी की टिफिन तक उससे छीनकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। अगले दिन कोसी स्कूल आती है तो रोहन नाम का लड़का चुपके से कोसी के बैग से उसकी नोटबुक निकालकर उसमें से होमवर्क वाला पेज फाड़ देता है। जब टीचर क्लास में सबका होमवर्क चेक करती है तो देखती है कि कोसी की नोटबुक में कोई होमवर्क नहीं है। कोसी ये क्या, एक तो तुमने होमवर्क नहीं किया और अपनी नोटबुक मेरी टेबल पर रख दी। तभी रोहन बोलता है, मैम ये कोसी काम तो करती नहीं और अपनी नोटबुक सबसे पहले आपकी टेबल पर जाकर रख देती है, इसकी तो पिटाई लगनी चाहिए। यस मैम, इस काम वाली की बेटी की तो पिटाई लगनी ही चाहिए। राखी टीचर कोसी की पिटाई करती है। टीचर जी मुझे मत मारो, मुझे प्लीज मुझे मत मारो। कल से तुम्हारी कॉपी का सारा काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अब क्लास के बच्चे कोसी को रोज ऐसे ही परेशान किया करते, कभी उसे वॉशरूम में बंद कर देते तो कभी उसका लंच फेंक देते। इन सब से परेशान होकर कोसी प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर लीना और उसके दोस्तों की शिकायत प्रिंसिपल सर से करती है। प्रिंसिपल सर लीना और उसके दोस्तों को ऑफिस बुलाते हैं। लीना, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम और तुम्हारे दोस्त कोसी को परेशान करते हैं। ऐसा बोलकर वो सभी को बहुत डांट लगाते हैं। अगले ही दिन लीना और उसके दोस्त कोसी से बदला लेने की ठान लेते हैं। नेहा और रोहन, तुम तो जानते ही हो ना, इस स्कूल में एक पुराना स्टोर रूम है जहाँ कोई नहीं जानता। हम तीनों छुट्टी के समय कोसी को उसी स्टोर रूम में बंद करके चले जाएंगे। छुट्टी होते ही नेहा कोसी को किसी बहाने से अपने साथ स्टोर रूम में ले जाती है और उसे वहाँ बंद कर देती है। नेहा ये तुम क्या कर रही हो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा प्लीज मुझे इस स्टोर रूम से बाहर निकालो। बहुत शौक था ना तुझे हम सब की शिकायत प्रिंसिपल से लगाने का, ले अब भुगत उसका नतीजा, सड़ इस भूतिया स्टोर रूम में। नेहा ऐसा बोलकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। कोई निकालो मुझे यहाँ से, कोई दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। प्लीज प्लीज कोई तो मुझे इस स्टोर रूम से बाहर निकालो। काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो कोसी को बहुत घबराहट होने लगती है और अचानक से वो जमीन पर गिर जाती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। कोसी एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, पर इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मेरी मौत तक हो गई। अब मैं इन सब से अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल आते हैं कि तभी नेहा देखती है कि कोसी क्लास में सबसे आगे की बेंच पर बैठी हुई है। नेहा लीना और रोहन से बोलती है, अरे यार ये कोसी क्लास में कहाँ से आ गई, इसे तो मैंने कल स्टोर रूम में बंद किया था। अरे किसी ने स्टोर रूम खोल दिया होगा, पर जरा इसकी हिम्मत तो देखो, ये लड़की
कैसे सबसे आगे की बेंच पर बैठी हुई है। अरे इसे फर्स्ट बेंच पर बैठे रहने दो, राखी मैम खुद ही देख लेंगी इसे कि इसका क्या करना है। तभी राखी मैम क्लास में आती है और कोसी को फर्स्ट बेंच पर बैठा देखकर कोसी से गुस्से से बोलती है, कोसी तुम फर्स्ट बेंच पर क्या कर रही हो, चलो उठो यहाँ से और सबसे लास्ट में जाकर बैठो। टीचर जी मैं तो सबसे आगे की बेंच पर ही बैठूंगी और वैसे भी क्लास में सबसे पहले मैं ही आई थी तो फर्स्ट बेंच भी मेरा ही हुआ। टीचर डंडा निकालती है और बोलती है, अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगी, लगता है तेरी पिटाई ही लगानी पड़ेगी। टीचर जैसे ही कोसी को डंडा मारने लगती है तो वे कोसी की जगह खुद को ही डंडे से पीटने लगती है। ये देखकर क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, मैं अपनी पिटाई क्यों लगा रही हूँ। कोसी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलती है, राखी टीचर आपने भी मुझे बहुत परेशान किया, अब देखना मैं क्या क्या करती हूँ सबके साथ। लंच टाइम में लीना वॉशरूम जाती है तो वॉशरूम का दरवाजा अचानक से खुद से बंद हो जाता है और तभी उसे हवा में ऊपर घूमती हुई एक चुड़ैल लड़की दिखाई देती है। मैं बहुत भूखी हूँ, मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। लीना बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ मेड आकर वॉशरूम का दरवाजा खोलती है। आंटी आंटी मैंने अभी यहाँ पर एक डरावनी चुड़ैल को देखा, वो मुझे खाना चाहती है। अरे पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अपनी क्लास में जाओ। लंच टाइम में राखी टीचर अपना लंच बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि उनके बॉक्स में मरी हुई छिपकली है। वो जोर से चिल्लाते हुए अपना लंच बॉक्स फेंक देती है। हे भगवान आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी राखी मैम को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, वो बहुत घबरा जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। वो अपनी सीट से उठकर वॉशरूम जाती है और मुंह धोने लगती है कि तभी सामने शीशे में उन्हें अपनी शक्ल की जगह एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल, ये चुड़ैल मेरे पीछे क्यों पड़ी है। डंडे से बहुत पिटाई लगाई है आपने मेरी, अब मेरी बारी है। राखी मैम भागते हुए क्लास में जाती है। मैम क्या बात है, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो, क्या आपको भी कोई चुड़ैल दिखाई दी। तभी सभी बच्चे मैम को अपनी नोटबुक चेक करने के लिए देते हैं। कोसी ये क्या, तुम्हारी कॉपी में एक भी काम नहीं है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक तुम घर नहीं जाओगी। टीचर जी रोहन लीना और नेहा का काम भी पूरा नहीं है तो फिर वो भी आज तब तक घर नहीं जाएंगे ना, जब तक उनका भी काम पूरा नहीं हो जाता। पर हमारा काम तो पूरा था, पर अब कॉपी में कोई काम नहीं है। कोसी मन में बोलती है, ये सब मेरा किया धरा है, आज सबक सिखाऊंगी मैं तुम सभी को। छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे घर चले जाते हैं। क्लास में मैम कोसी लीना नेहा और रोहन का काम करा रही होती है कि तभी अचानक से क्लास का दरवाजा बंद हो जाता है और कोसी चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। हे भगवान ये कोसी चुड़ैल कैसे बन गई? अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सभी को कच्चा चबा जाऊंगी। ये देखकर लीना और उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई बचाओ हमें, नहीं तो ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई तो बचाओ हमें, मेरा तो दम घुटे जा रहा है। जैसे मेरा दम घुटा था वैसे ही तुम भी मारे जाओगे, बहुत सताया ना तुम सबने मुझे। टीचर जी कैसा लग रहा है हवा में लटक कर। कोसी कोसी हमें माफ कर दो, आगे से हम कभी तुम्हें नहीं सताएंगे, पर तुम चुड़ैल कैसे बन गई, लगता है तुम्हारे अंदर किसी चुड़ैल की आत्मा आ गई है। कोसी रोते हुए बताती है, मेरे अंदर कोई चुड़ैल की आत्मा नहीं है बल्कि मैं खुद एक चुड़ैल बन गई हूँ, इन तीनों ने मिलकर मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और घबराहट के मारे दम घुटने से मेरी मौत हो गई। अब मैं अपने ऊपर हुए सभी अत्याचारों का बदला लूंगी ताकि फिर कोई ऐसी गलती करने का कभी न सोचे। तभी प्रिंसिपल क्लास का दरवाजा खोलते हैं और बोलते हैं, कोशी मैंने सब सुन लिया है, तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें सजा कानून देगा, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो बस आती ही होगी। राखी टीचर लीना और उसके दोस्तों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, वो कोसी से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। उन सभी को सजा मिलती है, कोसी की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।